नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान की शुरुआत सागर से नगरी निकायों की होगी। रैंकिंग पिछड़ने वाले निकाय होंगे दंडे। सागर में प्रदेश के नगरी विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने आज ही मध्य प्रदेश में गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान की सागर में शुरुआत करते हुए कहा है कि इस अभियान का संकल्प पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह ने लिया है, जिसकी शुरुआत आज सागर में हो रही है। नगरी निकायों की इसमें रैंकिंग होगी। जिनका परफॉर्मेंस कमजोर होगा उन निकायों में अधिकारी दंडित होंगे। वहीं आगामी 3 वर्षों में गंदगी के ढेर किसी भी शहर में नहीं दिखेंगे। कचरे के निष्पादन को लेकर हरेक निकायों में व्यवस्था होगी। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। इस मौके पर केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंध इकाई का लोकार्पण किया। बुंदेलखंड अंचल का यह पहला प्लॉट करीब 70 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। इस प्लॉट में 10 नगरी निकायों के कचरे का निष्पादन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक प्रदीप लारिया और शैलेन जैन, नगरी निकाय आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव, पूर्व महापौर अभय दरे, संभागीय जेके जैन, कलेक्टर दीपक सिंह और निगमायुक्त आरपी अहिरवार मौजूद थे। लोकार्पण के पहले मसवासी ग्राम में स्थापित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंध इकाई का लोकार्पण के पहले पूर्व प्लाट का निरीक्षण किया और कार्य प्रणाली को देखा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से जीवन की सुख शांति आती है, इसीलिए पीएम और सीएम ने अपनी सरकार में लगातार स्वच्छता के लिए प्रयास कर रहे हैं और यही कारण रहा है कि देश स्वच्छ शहरों में इंदौर और भोपाल पहले और दूसरे स्थान पर आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिकांश शहरों में सीवर सिस्टम का काम चल रहा है। प्रदेश में गंदगी समस्या है। सन 2015 का निर्णय लिया गया था, 16 स्थानों पर स्वीकृति दी। बीच का समय खराब रहा, इसमें 9 सॉलिड वेस्टर्न मैनेजमेंट प्लांट पूर्ण हो गए। कुछ महीनों की सरकार में यह काम पिछड़ गया था, लेकिन अब यह चुनौती है, कई नगरी निकायों की समस्या बनी है। उन्होंने कहा कि विभाग इसको लेकर कार्य योजना बना रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर तैयार हो रही आने वाली 3 सालों में किसी भी शहर में कचरे का ढेर नहीं मिलेगा। सभी जगह कचरे के निष्पादन का काम होगा ताकि गंदगी से मुक्ति मिले। गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान का एक कैलेंडर बना है, उसके अनुरूप सभी कार्य होंगे। इस मौके पर नगरीय आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सागर को बेहतर सिटी बनाने और मुकरोनिया नगर पालिका को स्मार्ट सिटी के कार्यों में शामिल करने की घोषणा की। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। अभी माननीय हमारे विधायक जी हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि ये यहाँ पर जगह देना बड़ा कठिन काम था। वो विधायक हैं यहाँ के और विधायक के नाते उनके ऊपर जितना दबाव था क्षेत्र की जनता का, मैं समझ सकता हूँ। और इसलिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र अगर कोई इस प्लान के लिए है तो वो माननीय प्रदीप लारिया जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने समन्वय बनाने का काम किया, जिन्होंने समन्वय बनाया, गांव के लोगों को भी समझाया और एक प्लांट लग जाए सागर के लिए बड़ा काम उन्होंने किया। क्योंकि कहीं भी लगाओ दरियावी क्षेत्र है शहर के चारों तरफ, तो बिना विधायक के जन सहयोग के ये काम संभव नहीं था। थोड़ी बहुत गांव के लोगों की नाराजगी भी हुई होगी, परंतु जनहित में ये काम था और बड़े निर्णय के लिए कई बार त्याग करना पड़ता है, कई बार समझौता करना पड़ता है। और इसलिए उन्होंने गंभीरता के साथ, समन्वय के साथ ये जगह इस प्लांट के लिए मिली, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और गांव वालों को आश्वस्त करता हूँ कि सारे गांव बिल्कुल मेरे नज़दीक के गांवों से लगे हुए, मेरे घर से लगे हुए गांव, मैं सब गांव के बारे में जानता हूँ, सब गांव के लोगों को जानता हूँ। तो चाहे वो मसवासी बहेरिया हो, चाहे बाकी गाँव हो, जितने भी गाँव हैं, सभी गाँव के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई इस प्लांट से हम नहीं आने देंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। और दूसरा, इस कंपनी का जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी ये आग्रह है कि जो कचरा आप शहर से लेके आएंगे वो खुले रूप में लेकर ना आए, जिससे रास्ते के गांव के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़े। और इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कचरा पूरे प्रबंधन के साथ आना चाहिए, उसका नाम ही प्रबंधन है। और रास्ते के गांव के लोगों को किसी प्रकार की, जैसा विधायक जी ने कहा, किसी प्रकार की कठिनाई रास्ते के लोगों को, गांव के लोगों को नहीं होना चाहिए, पूरे उसको सुरक्षित तरीके से लेकर यहां पर आएंगे। दूसरा, जैसा प्रदीप जी ने कहा
कि यहाँ के गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो जो ऐसा काम यहाँ पर है जो स्थानीय लोग कर सकते हैं, जो स्थानीय लोग करना चाहते हैं, तो उसमें मेरे ये निर्देश है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उनके कारण ही ये प्लांट लग सका और इसलिए स्थानीय लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, प्रदीप जी ने एक विषय कहा है कि जो अभी कचरा, इसके पहले जो कचरा डलता था अभी तक डल रहा है, वो अवामनी और हफसली दो गाँव में ये कचरा डलता था और इसलिए ये दोनों गाँव में बहुत कठिनाई है। अब ये प्लांट शुरू हो गया तो कचरा अब यहाँ आना शुरू हो जाएगा, परंतु मैं आज से ये निर्देश भी दे रहा हूँ, हमारे कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर है और ये निर्देश भी आज से दे रहे हैं कि ये कंपनी आज से अमावनी और हफसली का कचरा उठाने का काम भी शुरू करेगी और 3 महीने के अंदर अमावनी और हफसली का पूरा कचरा ये कंपनी उठाएगी और इसलिए ये जिससे उन गाँवों को इस गंदगी से मुक्ति मिल सके, ये भी निर्देश आज दे रहे हैं। और साथ में हमारे माननीय प्रदीप जी ने मकरोनिया के बारे में कहा है कि मकरोनिया स्मार्ट सिटी बने। मकरोनिया और सागर एक ही है और इसलिए मैं स्मार्ट सिटी में मकरोनिया को भी जोड़ रहा हूँ, तो साथ में मकरोनिया का काम भी स्मार्ट सिटी के रूप में होगा। दोनों एक ही हिस्सा है, अलग अलग नहीं है और इसलिए मकरोनिया भी स्मार्ट सिटी बने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। साथ में नगरी प्रशासन मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, तो मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हमारे सागर के लिए, सागर जिले के लिए, सागर शहर के लिए एक सागर एक आइडियल शहर बने, एक अच्छा शहर बने। हमारे संभाग का हेडक्वार्टर है और इसलिए शैलेंद्र जी के साथ, सांसद जी के साथ बैठकर और सागर के विकास के लिए हम लोग पिछले बार भी बैठे थे और उसमें काफ़ी चीज़ें तय हुई हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सागर के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कोई फंड की कमी हम नगरीय प्रशासन विभाग से नहीं आने देंगे और आप सबके सुझाव के आधार पर सागर एक अच्छा शहर बने, इसके लिए अभी भी अच्छा है और अच्छा शहर बने और सारी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हों, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम सब मिलकर अपने पूरे सागर जिले में जो भी नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंधन को धन्यवाद करता हूं और इस विश्वास के साथ कि वो अच्छा काम करेंगे। हमारे कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट विशेष रूप से भोपाल से चलकर यहाँ पर आए और आते से ही सुबह उठकर वो सीधा शहर में निकल गए और आज सागर में उन्होंने कई स्थानों पर विजिट की है, सारे स्थानों पर वो शहर में गए हैं और शहर के बारे में पूरा उन्होंने देखा है, तो और क्या क्या प्लानिंग करना है वो करेंगे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, वो भोपाल से विशेष रूप से चल के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्होंने शहर का पूरा सुबह से विजिट किया है, शहर में जो जो काम चल रहे हैं वो देखे हैं और क्या हो सकते हैं वो देखे हैं। बाकी हमारे सभी अन्य सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गंदगी मुक्त मध्य प्रदेश की शपथ हम लोगों को लेना है, तो एक बार मैं बोल दूँ, मैं खड़े होकर एक बार सब लोग शपथ ले लेंगे। आज से चूंकि अभियान शुरू हो रहा है, हम सभी संकल्प लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गंदगी भारत छोड़ो का संकल्प लिया है, नारा दिया है, उसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मध्य प्रदेश को गंदगी मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। इस गंदगी भारत छोड़ो अभियान के अंतर्गत आज से ये प्रारंभ हो रहा है, चलेगा हमेशा, परंतु एक पखवाड़े के रूप में या एक अभियान के रूप में 16 अगस्त से लेके और 30 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, जिसकी आज शुरुआत हुई है और इस अभियान में कार्यक्रम बने हुए हैं, हर दिन के कार्यक्रम बने हुए हैं, नगर निगम आपको सूचित करेगी।
मेरा आप सबसे, माननीय विधायकगणों से, सांसद जी से, सबसे और आप सबसे ये आग्रह है कि ये जो कार्यक्रम है 30 अगस्त तक का, हर दिन के अलग अलग कार्यक्रम है, पूरा कैलेंडर बना हुआ है, उसके अनुसार आप सब कार्यक्रम में भागीदारी करें, कार्यक्रम में आप उसके अनुसार जुड़े और अधिकतम आपका सहयोग जितना होगा उतना स्वच्छता हम सबके जीवन में आएगी। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोगों ने एक चीज और जोड़ी है और वो ये है कि पहली बार हम लोग कार्यक्रम की रैंकिंग कर रहे हैं, स्वच्छता की रैंकिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, और इसमें रैंकिंग सिस्टम हम लोगों ने रखा हुआ है, कमिश्नर साहब हमारे बैठे, हम लोगों ने रैंकिंग रखी है कि जो नगर पालिका सबसे अच्छा काम करेगी, सबसे स्वच्छ नगर पालिका या नगर निगम कौन सी है मध्य प्रदेश में, वो भारत सरकार की रैंकिंग तो अलग होती पर इस अभियान को लेकर हम लोग रैंकिंग करेंगे, और इसमें जो नगर पालिका नगर निगम सबसे अच्छा काम करेगी उसको माननीय मुख्यमंत्री से सम्मानित कराने का काम करेंगे, और वो रैंकिंग भी बताएंगे पूरे प्रदेश को कि इस रैंकिंग में कैसा काम किस नगर पालिका ने, नगर निगम ने किया है, और जहाँ पे काम ठीक नहीं होगा वहाँ पर हम लोग पनिश करने का काम भी, वहाँ के नगर पालिका के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको पनिश करने का काम भी हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में हम लोग इस महामारी को काफ़ी हद तक रोकने में सफल हुए, और देश में आज बाकी राज्यों की तुलना में हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी हम लोगों ने नियंत्रण किया है, और इसी कारण से आज देश में मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर है, छोटे छोटे राज्य भी हमसे आगे हैं। ये जो प्रयास है उसी प्रयास को, पूरा कोरोना का इलाज सरकार फ्री में करा रही है, एक पेशेंट में कम से कम सरकार 60,000 रुपये का खर्च एक पेशेंट पे कर रही है, पूरा सरकार ये करा रही है। तो मध्य प्रदेश में इस कोरोना के संकट के बीच में, इस महामारी के बीच में, और सागर में तो बीच में एक समय ऐसा आया था कि 400-500 केस तक हो गए थे, परंतु मैं यहाँ पर हमारे कमिश्नर भी हैं, कलेक्टर साहब भी हैं और बाकी जनप्रतिनिधि भी हैं, सब हमारे पार्षदगण हैं, मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि सागर पर नियंत्रण पाने में आप लोगों ने सफलता पाई, और अब सागर में मुश्किल से 10-12 केस का एक पर डे का आता है, तो सागर प्रदेश में सबसे अच्छा काम करने के मामले में, इस मामले में प्रदेश में सागर ने सबसे अच्छा काम कोरोना के मामले में किया है। तो मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद करता हूँ, कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और उसी में प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करके आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, उस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अनेक चीजें हम लोगों ने तय की है, समय अभी कम है आगे कार्यक्रम है और इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा, परंतु इस कोरोना के समय में हम सब जानते हैं कि इसका बचाव का सबसे सशक्त माध्यम दो चीजें अगर हमने कर ली, एक तो हम मास्क का उपयोग करें, अधिकतम मास्क बिल्कुल ना निकालें, कई लोग लगाए रहते बात करते समय निकाल लेते, तो ये बात करते समय निकालना ही नुकसानदायक होता है, और इसलिए मास्क लगाए रहे। गांव के लोगों से विशेष आग्रह है कि गांव में लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं कि नहीं होगा, परंतु ये बीमारी है, एक प्रकार से वायरस है, इसका कोई गांव शहर से संबंध नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है, और इसलिए इसमें सबसे जरूरी मास्क लगाएं, और दूसरा सोशल डिस्टेंस का हम लोग पालन करें, जैसे यहाँ पर अभी दूरी बना के हम लोग बैठे हैं, ऐसा सोशल डिस्टेंस का हम लोग पालन करें, तो बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपना उदाहरण बता सकता हूँ, मैं 15 कोरोना पेशेंट के साथ रह चुका 2-2 घंटे, एक आदमी 15 लोगों के साथ अभी तक, परंतु मैं बचा हुआ हूँ इसलिए कि ना तो मास्क निकालता हूँ, ना ग्लव्स निकालता हूँ, और सबसे आग्रह करता थोड़ा दूर से बात करूँ, तो इस वजह से अभी तक बचे हुए हैं। तो कुल मिला के ये कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमारे सुरक्षित हमें रहना है, और इसीलिए हम लोगों ने नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से, जैसा हमारे कमिश्नर साहब निकुंज श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि हम लोगों ने हर शहर में अभियान चलाया, एक मास्क अनेक जिंदगी, मतलब एक मास्क से अनेक जिंदगी, अगर हमने मास्क नहीं लगाया तो आप समझ लो कि आपके अपराध की सजा पूरा परिवार भुगतता है, छोटा बच्चे से लेके भी, चाहे वो छोटा 6 महीने का बच्चा हो, चाहे साल भर का बच्चा हो, और आपके चाहे बुजुर्ग तो माता पिता हो, सबको कोरोना होता है, आपकी एक गलती से पूरा परिवार उसकी सजा भुगतता है, मतलब गारंटी से होगा, अगर आपको हुआ है तो परिवार को गारंटी से होगा ही,
और इसलिए एक मास अधिक जिंदगी हम लोगों ने नारा दिया और उसमें प्रदेश भर में अभियान चला के हम लोगों ने मास्क बैंक बनाया, लोगों से जन सहयोग से मास्क लिए और लोगों को मास्क देने का काम हम लोगों ने किया। ये अभियान 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक चला और लगभग 5 लाख लोगों को हम लोगों ने नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से निःशुल्क मास्क देने का काम मध्य प्रदेश ने किया। को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में शहरों में जो हमारी शहरों की नालियां थी, पूरे सारे अधिकांश शहरों में हम लोगों ने सीवर सिस्टम बनाने का नए सिरे से काम किया और अधिकांश बड़े शहरों में सीवर सिस्टम का काम कई जगह हो गया, कई जगह चल रहा है। स्वच्छता के मामले में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिस प्लांट की आज शुरुआत हो रही है, हम सब जानते हैं कि हमारे शहरों में गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। जैसा भी प्रदीप जी, राज बहादुर जी कह रहे थे कि अमावनी और हफसिली गांव के लोगों का जीवन एक तरह से बहुत कष्टप्रद है कचड़े के कारण। कचड़े के ढेर जगह जगह शहरों में अनेक स्थानों पर लगे रहते थे और हम सब जानते हैं कि सभी शहरों का कचरा जो है वो शहर के बाहर जो खुली जगह होती है वहां पर डलता है, वहां से निकलने वालों को, वहां पर रहने वालों को, आसपास के लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का, अस्वच्छता का सामना करना पड़ता है। और इसलिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट प्रदेश में बनाने का निर्णय हुआ 2015 में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में। और उस समय प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 16 स्थानों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्वीकृति दी थी। बीच में 1.5 साल का समय दूसरी सरकार का था और उस सरकार ने 9 प्रोजेक्ट में हम लोगों का काम लगभग कंप्लीट हो गया और बाद में सरकार ने इस पूरे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का जो ये सारा सेटअप है इसको भी समाप्त कर दिया कि अब आगे बनाने की जरूरत नहीं है और नहीं तो बाकी शहरों में भी बनता। परंतु अभी चुनौती हम लोगों के सामने है, इस प्लांट में अलग नगर पालिकाओं का कचरा आएगा और वो कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरे प्लांट के माध्यम से एक जैविक खाद के रूप में तैयार होगा, खाद के रूप में तैयार होगा। परंतु अभी भी बहुत सी नगर पालिकाएं ऐसी हैं, बहुत से नगर निगम हमारे ऐसे हैं जहां पर ये कचरे की समस्या अभी भी है और इसलिए हमारे कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग लगातार बैठते हैं, हर दिन लगभग बैठते हैं और इसको लेकर प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे बाकी नगरी निकाय हैं, जो छोटे नगरी निकाय भी हैं, वहाँ का भी कचड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं।